टुडे वी आर मेकिंग कॉफ़ी फ्लेवर चॉकलेट केक और ये केक बना है बिना चीनी और मैदा के। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 चम्मच कॉफ़ी दूध में घोलकर अलग रख ली है और हम एक बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, होल व्हीट फ्लार, 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 स्पून बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कोको पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक सेपरेट बाउल में 1/2 कप दही लेंगे, 1/2 कप दूध। इन दोनों को अच्छे से कंबाइन करने के बाद इसमें हम डालेंगे वो जो कॉफ़ी का मिक्सचर हमने बनाया था। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 स्पून शक्कर यानी जैगरी पाउडर। अब इस लिक्विड बैटर को हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करते जाएं कि जिससे लंप ना हो। अब इन सब को अच्छे से कंबाइंड कर लेंगे एक साथ। केक बैटर बिल्कुल तैयार है। अब कोई भी एक केक मोल्ड ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। फिर हम इसमें अपना बैटर पोर कर देंगे। अब आप इसे ओवन में 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे। आप चाहते हैं तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मीडियम से हाई फ्लेम पे इसे हमें 25 से 30 मिनट के लिए बेक करना है, जिससे ज़्यादा बबल्स ना हो। इसको हल्का सा टैप करके बेक होने रख दें। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा बन के तैयार है। इसके हम एजेस को ऐसे हटा लेंगे और पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसको हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से केक बाहर निकल के आ गया है और एक कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाए। आप इसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ किसी भी टाइम इंजॉय करें। आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। इस ये बिल्कुल हेल्दी है। इसमें कोई मैदा कोई चीनी का यूज़ नहीं किया है। यू कैन यूज़ एनी टॉपिंग। मैंने इस पे चॉकलेट सिरप पोर किया है और साथ में थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट कर लिया है। लीजिए हमारा केक एकदम तैयार है। डू ट्राई एंड एन्जॉय। थैंक यू। सारे इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। यू कैन वॉच।